ड्रीम लैंड से पैसा कैसे निकाले फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस वीडियो को सही से लास्ट तक देखते हो तो फ्रेंड्स आप लोग 2 मिनट के अंदर अपने पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे। ड्रीम लैंड एप्लीकेशन से सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसा चला आएगा। बस इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा उस स्टेप्स को फॉलो करो, उसके बाद आप लोग का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, सारा पैसा सेफली आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में सेट करके रख देना फ्रेंड्स। ऐसे आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलते रहेगा। पैसा कैसे कमा सकते हैं ये सारा चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चलो यहाँ से ड्रीम लैंड एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से हमें ड्रीम लैंड एप्लीकेशन से पैसा को निकालना है। सिंपली आप लोगों को अपने प्रोफाइल में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से माय बैलेंस का ऑप्शन शो कर रहा है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देखो यहाँ से आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, यदि आप लोग सही में अपने पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो। बाद में क्या होगा कि आप लोग से थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो बाद में आपका पैसा अटक भी सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोल देता हूँ पैसा का मामला है 2 से 4 मिनट का वीडियो, ऐसे आप लोग देख लो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विनिंग्स में आ जाएंगे, उसके बाद वेरीफाई नाउ का बटन होगा, आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले यदि आप लोग वेरीफाई नहीं किए हो तब जाके आपको यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग का केवाईसी कंप्लीट होगा, तब जाके अपने पैसे को आप लोग विड्रॉ कर पाओगे। बिना केवाईसी का आप लोग का यहाँ से पैसा नहीं निकलने वाला। तो यहाँ से वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग का पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आप लोग के पास यहाँ से पैन कार्ड होने के बाद आप लोग का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, तब जाके ही आप लोग का यहाँ से पैसा निकलेगा। यदि आप लोग के पास नहीं है पैन कार्ड या फिर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोग किसी दूसरे का भी पैन कार्ड या फिर बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर का, ये बात का आप लोग ध्यान रख लो। तो आप लोग किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिसका पैन कार्ड आप यूज़ करोगे उसी का आप लोग को बैंक अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई रहता है, उसके बाद आप लोग को ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप लोग ईमेल आईडी में क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग का एक ओटीपी आएगा ईमेल में, तो हमें यहाँ से बैंक आना पड़ेगा। बैंक आके ईमेल में जाना है, उस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ ड्रीम लैंड में वापस आके पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वैसे ही यदि आप लोग के पास अपना पैन कार्ड नहीं है तो अपना फैमिली मेंबर किसी का भी यूज़ कर लो, लेकिन उसी का ही बैंक अकाउंट यहाँ पर डालना, तब जाके आप लोग का पैसा निकल जाएगा। तो चलो यहाँ से ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से आप लोग में से वैसे भी लोग हैं जिसके पास पैन कार्ड नहीं है और वो अपने फैमिली मेंबर का पैन कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं बोल देता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आप लोग के लिए भी मैं एक सॉल्यूशन दे दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ से पैन कार्ड को वेरीफाई करना, सिंपली हमें वेरीफाई का ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो बटन शो कर रहा है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना पैन कार्ड का नाम देना है, जो भी आपका नाम पैन कार्ड में है वही आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे में पैन कार्ड का नंबर डाल देना, उसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालना, फिर आप लोग को अपलोड पैन प्रूफ में जाने के बाद अपना पैन कार्ड का फ्रंट फोटो देने से भी काम हो जाएगा। फिर सबमिट डिटेल्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग का यहाँ से पैन वेरिफिकेशन का जो भी आप लोग का है ये चला जाएगा ड्रीम लैंड का टीम के पास, वो लोग इसे चेक करेगा और इंस्टेंटली आप लोग का यहाँ से पैन कार्ड को वेरीफाई कर देगा। ये 4 से 5 मिनट का प्रोसेस है, आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को पैन कार्ड का नंबर सही से फिल करना पड़ेगा, सारा कैपिटल लेटर में होता है तो आप लोग को पैन कार्ड का नंबर भी कैपिटल लेटर में देना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वही हिसाब से आपको सिलेक्ट करना जो भी पैन कार्ड में होगा। मैं यहाँ से आप लोग को फिल करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का मिस्टेक ना हो, यदि मिस्टेक होता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए बोलता हूँ। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग को यहाँ से पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट को डालना है। सिंपली आप लोग को जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप लोग फोटो खींच के भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग का गैलरी में होगा फोटो तो उसे सिलेक्ट करके भी यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ से नीचे में सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, उसमें आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें सबमिट डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल्स सबमिट हो चुका और ये अंडर रिव्यू में चला गया है पैन कार्ड का डिटेल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई का बटन है ना, उसमें शो कर रहा है, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हमें बैंक अकाउंट का नंबर डालना पड़ेगा, फिर री टाइप करना पड़ेगा, 2 बार आपको अकाउंट नंबर टाइप करना है। उसके बाद नीचे में आप लोग को IFSC कोड को फिल करना है। चलो मैं यहाँ से फिल करके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग को यहाँ से बैंक अकाउंट का डिटेल्स को सबमिट करना है या फिर फिल करना है। उसके बाद नीचे में आप लोग को जैसे IFSC कोड आप लोग डालोगे, फिर आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ से ब्रांच नाम, ब्रांच कौन सा बैंक अकाउंट है, सब चीज़ यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो मैं IFSC कोड फिल करता हूँ ना, आप लोग के सामने यहाँ पे देख लो बैंक का नाम आ चुका है, ब्रांच नेम आ गया, स्टेट कौन सा है, ये सारा चीज़ आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को अपलोड बैंक प्रूफ में क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप लोग का बैंक प्रूफ के लिए आप लोग का पास कैंसिल चेक का फोटो होने से भी चल जाएगा, या फिर आप लोग का बैंक अकाउंट का जो भी स्टेटमेंट होता है उससे आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, या फिर आप लोग का जो बैंक अकाउंट का जो भी पासबुक रहता है ना उसका फ्रंट पेज जो होता है वो आप लोग यदि फोटो खींच के दे दोगे तो वहाँ से भी काम हो जाएगा, आप लोग का इंस्टेंटली यहाँ से वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लोग का यहाँ से वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है आप लोग को सबमिट में क्लिक कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग का इतना ही था प्रोसेस कैसे हम ड्रीम लैंड से पैसा निकाल सकते हैं, तो यही प्रोसेस था। फिर जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग का ये जो विड्रॉ इंस्टेंटली का ऑप्शन शो कर देगा, जैसे पहले था वेरीफाई का ऑप्शन, उसके बाद आप लोग का चेंज होकर विड्रॉ इंस्टेंटली का ऑप्शन चलाएगा। सिंपली आप लोग अपने प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है, उसके बाद आप लोग को माय बैलेंस में जाना है, फिर आप लोग के सामने विनिंग शो करेगा, उसके बाद विड्रॉ इंस्टेंटली में क्लिक करना, आपका पैसा निकल जाएगा।